फ्रेंड्स, चलिए हम बताते हैं आपको कि हमें गर्म जूता कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10x10 यानी कि 10x10 इंच में के कपड़े में आप किसी भी साइज का जूता बना सकते हैं। तो अब हम आपको नाप के दिखाते हैं। इस तरीके से 10 से 10.5 इंच की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए, स्क्वायर कटिंग में होनी चाहिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई 10.5 के आसपास होनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए ये वाला फॉर्म चाहिए। देख लें, कुछ इस तरीके का फॉर्म है। फॉर्म की लंबाई चौड़ाई लगभग इसी के बराबर होनी चाहिए, अगर इससे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से अगर कम है तो हम काट के, अगर कम है तो हमें क्या करना है, जॉइंट लगा लें। वैसे आपके पास मिल जाएगा, हमारे पास छोटा है तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी कमी हो। तो इस तरीके की फॉर्म होनी चाहिए जो कि सूटों में निकल आती है, बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, कोई पैसा नहीं इसका पड़ता है। तो ये हमारा डबल कपड़ा है, ध्यान रखें डबल कपड़ा आपको लेना है ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्योंकि अगर आप चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं, तो ऊपर अस्तर रख लें तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास डबल कपड़ा था तो हम डबल बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर इस तरीके से फिट कर लेंगे, इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे करके कपड़े को इस तरीके से, ध्यान रखें इस तरीके से करके, और हम इसे चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली है, चारों तरफ लगा के इसको अंदर से बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब मेन काम हमारा अब है, अब थोड़ा ध्यान से देखें। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया, देख लें फ्रेंड्स, कुछ आपको ना समझ में आए इसलिए आपको हम सही से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, 5 इंच, ध्यान रखें 5 इंच इस साइड में, 5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे लगाना है 1.5 इंच पे, ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 1.5 इंच चौड़ाई का निशान लगा लेना इस तरीके से, और 1.5 इंच हमें यहाँ तक एंड तक लगा लेना है, 1.5 इंच 1.5 इंच, और इधर ओनली 5 इंच 5 इंच इधर लगाना। 19-20 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 20-21 तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इतना निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से घुमा के इस तरीके से निशान लगा लेना है। देख सकते हैं कुछ हमने इस तरीके से लगाया, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से कटिंग को कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखें, अब हमें एक सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर, ताकि ये हमारी फॉर्म इधर उधर ना भागे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारा प्रयास बराबर यही रहेगा कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, अपना बेटा अपना भाई समझकर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर लिखें। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, मेन काम मेरा अब है, अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा ले लें इस तरीके का, क्योंकि अब ये ऐसी किनारी तो अच्छी नहीं रहेगी, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी इस तरीके की किनारी। तो हमें क्या करना है, शायद आपको सही से समझ में आ रहा होगा। तो हमें 1.25 इंच, लगभग 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टी चाहिए इस तरीके से, हमें औरेब पट्टी चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी आपको पट्टी काटनी हो, अगर कहीं पर भी लगाएं तो औरेब लगाएं, अगर आप सदैव लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि पट्टी अपना सही से काम नहीं करेगी। इस तरीके से पट्टी को काट लें। इस तरीके से औरेब सदैव तो जानते होंगे, अगर कमेंट करके बताना, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारी औरेब पट्टी ये कट चुकी है, औरेब पट्टी का साइज देख लें कुछ इस तरीके से है, लगभग 1.5 इंच की पट्टी कटी है मेरी, 1.5 से 1.25 इंच भी आप काट सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जितनी आपको चौड़ाई चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसमें उल्टा सीधा देख लें, ध्यान रखें हमें उल्टी तरफ से पट्टी को लगाना है और सीधी तरफ मोड़ना है। तो उल्टा सीधा आप अपने अनुसार देख लें, हमारे इस कपड़े में तो दोनों तरफ बराबर ही है, तो हम क्या करेंगे साइड से लगा लेते हैं पट्टी को, इस साइड से यहाँ से रख के इस तरीके से पट्टी को रख के, ध्यान रखें पट्टी को हल्का तराशते हुए, यानी कि थोड़ा आगे की तरफ, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के मामूली से मुलायम हाथों से हमें पट्टी को थोड़ा टाइट रखना है, और इस तरीके से पट्टी को इसके ऊपर लगा लेना है।
देख लें कुछ इस तरीके से हमने पट्टी को लगाया है। पट्टी ऑटोमेटिक ही खड़ी हो गई है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से काट लेना है। अब हमें पट्टी को इस साइड में इस तरीके से मोड़ लेना है। ध्यान रखें, इस तरीके से हमें मोड़ना है, पट्टी ऑटोमेटिक ही मुड़ जाएगी। हमारी मशीन थोड़ी टाप मार रही है तो कोई बात नहीं, टाप मारने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से हमें पट्टी को बराबर मोड़ते चले जाना है। इस तरीके से पट्टी को हमने मोड़ के इसे लगा दिया। धागा मेरा टूट गया। इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है, पट्टी हमारी लग चुकी है, देख लें। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये हमारा सीधा हिस्सा है, तो हमें सीधे हिस्से में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उल्टा हिस्सा ऊपर रख लेना है और सीधा हिस्सा नीचे रख लेना। अब हमें क्या करना है, कुछ हमें इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से इतना तिरछा कर लेना है। ध्यान रखें, थोड़ा हमें तिरछा करके लगाना और यहाँ पे हमें एंड तक सिलाई लगा लेनी। ये सिलाई लगाई है, इसके ऊपर ही हमें सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा तिरछा करते हुए तब हमें लेके जाना है इस तरीके से। पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से कैसे हमने काट लिया। अब हम आगे बताएंगे आपको आगे क्या करना है आपको, तो देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सिलाई तो लगा ली इतनी इतनी, अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक थोड़ा मोटा जरूर हो जाएगा लेकिन एकदम शानदार और मस्त आइडिया है, तो इस आइडिया को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। ऐसे करके हमें कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अपने पैर की चौड़ाई के अनुसार ही आप रखें, थोड़ा चाहे तो इस तरीके से यहाँ से थोड़ा और चौड़ाई में थोड़ा सिलाई लगा लें ताकि ये हमारी जल्दी खुद लेना। तो अब हमें क्या करना, अब आप अपना पैर डाल के या जैसे भी जैसे चाहें आप इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। एक नीचे वाला जॉइंट इस तरीके से रखें, तो हम निशान लगाते हैं इस तरीके से। हम अपने पैर के साइज के अनुसार से निशान लगा रहे हैं, आप अपने पैर के साइज के अनुसार से निशान लगा लें इस तरीके से, देख लें। कुछ इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, अपना छोटा बेटा समझ के या भाई समझ के वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये यहाँ पे कट कर लेना है। तो अब हमें क्या करना, अब हमें इसे पलट लेना है। पलट के अब इस साइड में आपको दिखाते हैं कि हमारा ये मॉडल कैसा तैयार हुआ है। ये एक्स्ट्रा है तो इसे एक्स्ट्रा को पार देते हैं ताकि मोड़ने में दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, आप घर पे बना सकते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं।
हमारा ये आइडिया आपको कैसा लगा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। अब हम आपको पहन के भी दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये आइडिया काम करेगा। देख सकते हैं, हम आपको पहन के दिखाएंगे। अभी नया नया है फ्रेंड्स, तो हल्का सा टाइट आएगा लेकिन एकदम मस्त आएगा, एकदम फिट। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया है, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में, एकदम अच्छी सेव आई है इसकी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बनके कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख सकते हैं हमने एक ये बनाया। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।